सुषमा, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे ये आपका सेकंड वीक आईवीएफ का कोर्स किया, कैसा लग रहा है बेटा? एडवाइस ठीक थी कि गलत थी मेरी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम टू गिव मी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी. मैं तो करने वाली भी नहीं थी, लेकिन मुझे करके ये कोर्स बहुत ही अच्छा लगा और मैंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया. आईवीएफ के बारे में मैम तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, एकदम जीरो नॉलेज, बिल्कुल भी नहीं. और ना बस देखा ही नहीं था व्हाट इज नाम सुनी थी. एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी मुझे कुछ नहीं आता था. नेचुरल जिसको नो आईवीएफ और इसके बारे में कुछ नहीं आया, वो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कैसे जान सकता? पर अब कैसे लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है. एटलीस्ट मुझे ये पता चला कि विच पेशेंट गोज फॉर आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी, कौन से पेशेंट के कैसे ट्रीटमेंट करनी है और हाउ टू पिकअप. आर यू कॉन्फिडेंट? यस मैम, आई आई आपकी आपकी बड़ी एम मैडम कहें कि आप कल से इनफर्टिलिटी देखोगे, जब आपने एग्जाम पास कर लोगे, कर लोगे? हाँ मैम. और कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप लोग हैं. यस नहीं, कंफ्यूजन मैम. नहीं होना. फंडामेंटल्स हमने आपके इतने स्ट्रांग बनाए कि कंफ्यूजन का सवाल नहीं, कंफ्यूजन का सवाल नहीं. ठीक है, तो आर यू हैप्पी बेटा? यस मैम, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंक यू मैम. आपने जो मैडम जो बताई है, ये डॉक्टर सुनीता अरोरा मैम एक्सप्लेन जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, कि जेनेटिक टेस्टिंग इम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के पहले हम लोग कैसे उसको जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, ये बहुत ही यूजफुल था फॉर मी. एंड हाउ टू इम्ब्रियो ट्रांसफर, कब हम लोग इम्ब्रियो ट्रांसफर उपयोग कैसे करते हैं. करते हैं, बहुत प्रोटोकॉल्स कैसे लगे? हाँ, लॉन्ग प्रोटोकॉल्स भी बहुत अच्छे लगे मैम. हाउ लॉन्ग प्रोटोकॉल्स, व्हेन आई गिव ट्रिगर ऑफ एचसीजी, एंटागोनिस्ट, हाउ टू क्रिएट ए बैच, एवरीथिंग, ऑल एस्पेक्ट मैम क्लियर एंड मॉनिटर कर वेरी सकते हैप्पी. हो, आराम से मॉनिटरिंग सीखोगे. सीख गया? यस ठीक है, मैम. बस आपको, आप जितने भी लोग हैं उनको अल्ट्रासाउंड करना आना चाहिए. दैट्स ऑल आई कैन से. आई थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर कोर्स. थैंक यू रियली वेरी मच. सो शीला जी, आप जो है अपने को खोलेंगे नाउ, आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे.